चिल्ड्रन, आज के सेशन में हम लोग क्लास 8 में यूनिट 3B के पोयम भारत आवर लैंड के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। क्लास 8 यूनिट 3B पोयम का नाम है भारत आवर लैंड। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज कंपोज्ड दिस पोयम, इस पोयम अर्थात भारत आवर लैंड पोयम की रचना किसने की है? आंसर, चिन्नस्वामी सुब्रमण्य भारती हैज कंपोज्ड दिस पोयम, इस पोयम की रचना किसने की है? चिन्नस्वामी सुब्रमण्य भारती ने। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मेनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड, व्हाट डज द अबव लाइंस सजेस्ट, ऊपर दी गई पंक्तियों से क्या आशय स्पष्ट होता है? बच्चों यहाँ पर भारत आवर लैंड पोयम के दो पंक्तियों को दिया गया है और प्रश्न है कि इन दोनों पंक्तियों से क्या स्पष्ट होता है। ठीक है बच्चों, आंसर, द अबव लाइंस सजेस्ट दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्रेव पीपल एंड मेनी सेंट्स हैव प्यूरिफाइड आवर कंट्री। ठीक है बच्चों, द अबव लाइंस ऊपर दी हुई पंक्तियों से सजेस्ट स्पष्ट होता है कि इंडिया इज अ लैंड ऑफ ब्रेव पीपल, भारत ब्रेव पीपल यानी कि वीर पुरुषों की भूमि है, यहाँ पर वीर पुरुष यानी महापुरुषों ने जन्म लिया, एंड मेनी सेंट्स हैव प्यूरिफाइड आवर कंट्री, और बहुत सारे सेंट्स यानी कि साधु संतों ने महात्माओं ने हैव प्यूरिफाइड आवर कंट्री, हमारे देश को क्या किया है? पवित्र किया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज द टर्म एंटीक्विटी स्टैंड फॉर इन दिस पोयम, इस पोयम में एंटीक्विटी वर्ड का क्या अर्थ है? बच्चों इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन है बैड डेज, सेकंड ऑप्शन ग्रेट एंशिएंट डेज, एंड थर्ड ऑप्शन रिफॉर्मेटिव डेज। बच्चों जैसे कि पोयम में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एंटीक्विटी मींस एंटीक यानी कि वेरी ओल्ड, तो यहाँ पर बच्चों देखिए वेरी ओल्ड कौन से ऑप्शन का मीनिंग आ रहा है? बैड डेज का नहीं आ रहा है, ग्रेट एंशिएंट डेज का मीनिंग आ रहा है, एंटीक्विटी से रिलेट हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन सही होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे? टिक लगा देंगे। एंटीक्विटी मींस ग्रेट एंशिएंट डेज। ठीक है, नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 4, सी इज पीयरलेस, लेट्स प्रेज हर, हु इज पीयरलेस इन दिस पोयम। बच्चों हमने इस पोयम में देखा कि प्रत्येक स्टांजा के आखिरी पंक्ति में सी इज पीयरलेस लेट्स प्रेज हर, इस लाइन को पोएट ने रिपीट किया है बार बार। पीयरलेस मींस होता है मैचलेस, और यह वर्ड किसके लिए यूज किया गया है तो देखते हैं, भारत आवर मदरलैंड इज पीयरलेस इन दिस पोयम, इस कविता में पीयरलेस वर्ड का यूज हमारी मातृभूमि के लिए किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस, पोयम के फर्स्ट स्टैंजा को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 1, द सनी गोल्डन लैंड ऑफ इंडिया मेक्स इट यूनिक, नेम टू सच थिंग्स That made India unique. The sunny golden land of India. भारत के सूर्य के समान golden यानी कि सुनहरी धरती हमारे देश भारत को unique बनाती है, खास बनाती है. Name two such things. हमें ऐसी ही दो चीजों के बारे में और बताना है that make India unique, जो हमारे देश को special बनाती है. ठीक है? The mighty Himavant means शक्तिशाली हिमालय एंड द जेनरस गंगा, उदार गंगा नदी, मेक इंडिया यूनिक, हमारे देश भारत को स्पेशल बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ओके, नेक्स्ट, द पोएट डिस्क्राइब्स द गंगा एज जेनरस, सजेस्ट टू मोर एडजेक्टिव्स दैट कैन बी यूज्ड विद द गंगा। द पोएट, कवि ने डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है गंगा नदी को किस तरह? जेनरस, उदार। Suggest two more adjectives. What are adjectives?
जैसा हम जानते हैं बच्चों कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव्स यानी कि विशेषण बोलते हैं। तो हमें भी इस क्वेश्चन में बताना है आंसर में कि गंगा नदी की और कौन सी दो विशेषताएं हैं। ठीक है, तो हम सब जानते हैं गंगा नदी पवित्र है, शुद्ध है, उदार है, रमणीय है। तो यहाँ पर बच्चों हम दो एडजेक्टिव्स लिख दिए हैं, होली एंड प्योर, पवित्र और शुद्ध। These are the two more adjectives that can be used with the Ganga. गंगा नदी की विशेषता बताने के लिए ये दो शब्द holy and pure हम use कर सकते हैं। Okay? Next, name at least two other holy scriptures of India. इंडिया के दो अन्य पवित्र धर्म ग्रंथों के नाम लिखें। The Ramayan and the Mahabharat. रामायण और महाभारत हमारे देश के दो अन्य पवित्र धर्म ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कल द वर्ड्स मेंशन इन द पोएम। इस कविता में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनको आपको सर्कल करना है। हमने भारत आवर लैंड पोएम में हमें देखना है कि इनमें से कौन से शब्द हैं जो पोएम में यूज हुए हैं और उन्हें हमें सर्कल करना है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, बुद्ध वर्ड यूज हुआ है तो हमने इसको गोला कर दिया, सर्कल कर दिया। गंगा वर्ड यूज हुआ है, इसको भी सर्कल कर देना है। हिमालय सर्कल कर दिए। नाउ ब्रह्म नॉलेज के बारे में हमने पढ़ा, और सेजेस, मैनी अ सेजेस हैव सेंटिफाइड द लैंड, याद होगा आपको। तो ये सारे शब्द पोएम में यूज हुए हैं जिनको हमें सर्कल कर देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, मिलान करें। यहाँ पर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनको हमें मैच करना है कि पोयम में वो वर्ड किस वर्ड के साथ आए थे। तो गैलेंट, कावर्डली, गोल्डन, सेक्रेट, होरी। नाउ वी हैव टू मैच गैलेंट वर्ड के साथ पोयम में वॉरियर वर्ड आया था, गैलेंट वॉरियर्स। कावर्डली इंडिफरेंस, गोल्डन के साथ लैंड, सेक्रेट उपनिषद्स, होरी एंटीक्विटी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट फ्रॉम द पोएम द वर्ड्स विच मीन। पोएम से हमें वर्ड को निकालना है जिनका मीनिंग होता है ये इक्वल टू और बेटर देन अनदर इन स्ट्रेंथ, मींस किसी की तुलना में अच्छा होना, बेटर होना, ताकत में हो या किसी और चीज में हो। तो ठीक है बच्चों, पोयम में हमने देखा था कि पेयरलेस वर्ड हुआ है यूज उसके लिए। ठीक है, बेटर देन स्ट्रेंथ के लिए कौन सा वर्ड है, पेयरलेस। नेक्स्ट, हैविंग ब्राइट सनलाइट, सनलाइट से सनी, सनी वर्ड यूज हुआ है पोयम में ब्राइट सनलाइट को दिखाने के लिए। नेक्स्ट, टू स्पीक ऑफ विद एडमिरेशन एंड अप्रूवल, हम जब किसी को एडमायर करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं तो उसको प्रेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट, शोइंग लैक ऑफ करेज दैट इज कावर्डली, मतलब साहस की कमी को दिखाना, दैट इज कावर्डली, कायरता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, मतलब गरीबी की स्थिति, दैट इज पॉवर्टी। ओके चिल्ड्रन, ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट लेसन के साथ फिर जल्दी ही आप लोगों से मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।